Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a ball falls on an inclined plane of inclination theta from a height h above the point of impact and makes a perfectly elastic collision. Where will it hit the plane again? So इस तरह से हमें एक inclined plane दे रखा है. Angle of inclination is given theta. Now एक ball है initially at a height of h from the point of impact. Now point of impact क्या होता है? जिस point पे ये जो ball है इस plane को hit करेगा उस पॉइंट पे एक इम्पल्स लगेगा बाय द प्लेन ऑन द बॉल. सो दैट इज नथिंग बट यूर पॉइंट ऑफ इम्पल्स, राइट? सो पॉइंट ऑफ इम्पल्स वो पॉइंट है जहाँ पे बॉल हिट करेगा इस इंक्लाइन प्लेन को. ना उसके बाद क्या होगा, बॉल इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव करेगा और फिर से इस इंक्लाइन प्लेन को हिट करेगा. सो हमें बताना है कि ये जो दो कोलिजन्स हो रहे हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, और यू कैन से वॉट इज द रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन, राइट? आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो आप देखो ये जो कोलिजन हो रहा है बिटवीन द बॉल एंड द इंक्लाइन प्लेन, ये किस तरह का कोलिजन है? ये आपका ऑब्लिक कोलिजन है. नाउ क्यों ऑब्लिक कोलिजन है? बिकॉज बॉल परपेंडिकुलर हिट नहीं कर रही है इस प्लेन को. अगर परपेंडिकुलर हिट करेगी देन दैट इज यूर हेड ऑन कोलिजन, बट किसी एंगल पे हिट करेगी सो दैट इज ऑब्लिक कोलिजन. कैन यू फाइंड आउट कितने एंगल पे हिट कर रही है? इजिली आप निकाल सकते हो. आप देखो सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्लेन का, देन ये जो एंगल है ये फाइंड आउट करना है. सो एक काम करते हैं, यहाँ से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा. इट मीन्स ये एंगल 90 माइनस थीटा हो गया. इट मीन्स ये एंगल थीटा हो गया. फाइन. सो थीटा एंगल पे हिट कर रही है सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कोलिजन. नाउ आप देखो ऑब्लिक कोलिजन की थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस की थी और वहाँ पर हमने एक प्रोसीजर भी डिस्कस किया था जिसे फॉलो करके हम ऑब्लिक कोलिजन के सारे प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं, राइट? सो वॉट यू हैव टू डू इज जस्ट फॉलो द प्रोसीजर. जो प्रोसीजर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जस्ट वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. फाइन. सो फर्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ सो पहला स्टेप में हमें आइडेंटिफाई करना होता है इम्पल्सिव फोर्स. कोलिजन के टाइम पे कौन से इम्पल्सिव फोर्स लग रहे हैं. सो कौन सा इम्पल्सिव फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बॉल पे ऊपर की तरफ और जो इंक्लाइन प्लेन है उसमें नीचे की तरफ. और इसका जो डायरेक्शन होता है ना हमेशा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होता है, राइट? जो नॉर्मल रिएक्शन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन. फाइन. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? लाइन ऑफ इंपल्स डिफाइन करनी है. लाइन ऑफ इंपल्स का डायरेक्शन क्या होता है? जिस डायरेक्शन में आपका इंपल्सिव फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका लाइन ऑफ इंपल्स होता है और एक डायरेक्शन हमें उसके परपेंडिकुलर वाला लेना होता है. सो इस तरह से हमने दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन डिफाइन कर लिया. अब जो मोशन हम स्टडी करेंगे वो इन दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे. फाइन. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन में जो वेलोसिटी आएंगी उसके कंपोनेंट लेना है लाइन ऑफ इंपैक्ट और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. जैसे मैं जस्ट बिफोर कोलिजन की बात करूं सो बॉल का स्पीड कितना होगा जस्ट बिफोर कोलिजन? वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर रूट 2gh फ्री फॉल में. अगर h हाइट नीचे बॉल आएगा तो अंडर रूट 2gh स्पीड होगा. ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, राइट? कि फ्री फॉल के टाइम पे अगर h हाइट नीचे आएगा बॉल तो अंडर रूट 2gh विल बी द स्पीड ऑफ द बॉल. अभी आपको इसके कंपोनेंट लेने हैं किस डायरेक्शन में? एक तो लाइन ऑफ इंपल्स के डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो ये एंगल अगर थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट? बिकॉज ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा हो गया. सो इस डायरेक्शन में आएगा अंडर रूट 2gh का कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा अंडर रूट 2gh का साइन थीटा. फाइन. नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जस्ट आफ्टर कोलिजन. जस्ट आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूँ सो आई डोंट नो एनीथिंग. मीन्स जो बॉल है वो कितने एंगल पे मूव करेगी या फिर यू नो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी, नथिंग इज नोन. कुछ नहीं पता हमें. सो हमें क्या करना पड़ेगा? एज्यूम करना पड़ेगा और फाइनली उसके बाद क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, राइट? किस डायरेक्शन में? एक तो लाइन ऑफ इंपल्स के डायरेक्शन में और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली एज्यूम द कंपोनेंट. देखो आप पहले वेलोसिटी एज्यूम करोगे उसके बाद उसके कंपोनेंट लोगे तो वो भी अननोन होंगे और फाइनली आपको कंपोनेंट ही लेना है ना. सो यू कैन डायरेक्टली एज्यूम द कंपोनेंट. कंपोनेंट एज्यूम कर लेते हैं एक लाइन ऑफ इंपल्स के डायरेक्शन में और एक जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है लाइन ऑफ इंपल्स का उस डायरेक्शन में. सो इस तरह से वीपी और वीए एज्यूम कर लेते हैं. ये वीपी और वीए मैंने किस तरह से लिखा? देखो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसलिए मैंने वीपी लिख दिया और अलॉन्ग द प्लेन दिख रहा है तो इसे वीए लिख दिया. मीन्स आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो. मैंने वीपी और वीए यूज किया. फाइन. सो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ई डिफाइन करना है. ई किस डायरेक्शन में डिफाइन होता है? लाइन ऑफ इंपल्स के डायरेक्शन में. दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. नाउ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? वीपी.
वीपी क्यों होगा, कितनी स्पीड से या फिर कितनी वेलोसिटी से सेपरेशन हो रहा है बिटवीन द टू बॉडीज। सो देखो इंक्लाइन जो सरफेस है उसे मैंने रेस्ट में अज्यूम किया। अभी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो आपका इंक्लाइन प्लेन है वो मूव कर सकता है, सो यू हैव टू एज्यूम कि ये जो है फिक्स होगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर ये मूव करता ना तो क्वेश्चन में मेंशन होता दैट इंक्लाइन प्लेन इज़ मूवेबल, और फिर उस केस में जो जिस सरफेस पे आपका इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है उन दोनों के बीच में आपको ना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी देता, लाइक वो स्मूथ है, जिस सरफेस पे आपका इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है वो सरफेस कैसा है, रफ है या स्मूथ है, इस तरह की चीज़ें भी वो मेंशन करता। बट इफ नथिंग इज मेंशन देन यू कैन एज्यूम दैट द प्लेन इज फिक्स्ड, इट कैन नॉट मूव। सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली वीपी होगा, अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितने वेलोसिटी से सेपरेशन हो रहा है बिटवीन द बॉल एंड द इंक्लाइन सर्फेस, सो दैट इज नथिंग बट वीपी डिवाइडेड बाई वी ए, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, अंडर रूट टू जी एच का कॉस थीटा, अंडर रूट टू जी एच का कॉस थीटा। सो यहाँ से देखो वीपी आ गया डायरेक्टली, वीपी का वैल्यू हमें मिल गया ई इंटू अंडर रूट टू जी एच इंटू कॉस थीटा। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय द वे मैं यहाँ ई का वैल्यू वन पुट कर सकता हूँ बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, बट मैं ना इसे थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सॉल्व कर रहा हूँ सो दैट हम किसी भी ई का वैल्यू के लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। फाइनल आंसर जो भी आएगा इज इक्वल टू वन पुट कर देंगे तो इस प्रॉब्लम का आंसर आ जाएगा, बट फॉर द टाइमिंग इसे ई ही रखते हैं, मीन्स ई के किसी भी वैल्यू के लिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। फाइन, सेकेंड मीन्स नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ इम्पल्स उस डायरेक्शन में हमें मोमेंटम कंजर्व करना है। सो देखो मोमेंटम किसका होगा, सिर्फ बॉल का, अगर यहाँ पे प्लेन मूव करता ना तो उसका भी मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन होता। फॉर द टाइम बिंग सिर्फ बॉल मूव कर रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो हम कंजर्व करेंगे किस डायरेक्शन में, लाइन ऑफ इम्पल्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मीन्स अलॉन्ग द प्लेन कह सकते हो आप। सो अलॉन्ग द प्लेन अगर इस बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, इसका तो मास वैसे भी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है ना वो चेंज नहीं हो रही अलोंग द प्लेन। इनिशियल स्पीड कितनी थी, अंडर रूट टू जी एच का साइन थीटा, मीन्स ये चेंज नहीं होगी, मीन्स अलोंग द प्लेन जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा वो सेम रहेगा, अंडर रूट टू जी एच का साइन थीटा। सो यहाँ से वी ए भी आ गया, दैट इज नथिंग बट अंडर रूट टू जी एच का साइन थीटा, राइट। फाइन, सो देखो वी पी और वी ए आ गया, सो यहाँ पे आपका कोलिजन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। वॉट आई वॉन्ट टू से, आफ्टर कोलिजन के बाद आप देखो जो बॉल है वो इस तरह से मूव कर रही है कि उसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट है दैट इज वी पी, जिसका वैल्यू हमें पता है, और अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन जो कंपोनेंट है दैट इज वी ए, उसका वैल्यू भी हमें पता है, राइट। सो ये प्रॉब्लम अब कोलिजन का नहीं बचा, अब ये जो प्रॉब्लम बचा है वो बचा है आपके प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि एक बॉल है जिसे हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया है कि उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट वी पी है और अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट वी ए है, और ये इस तरह से मूव करेगा एक प्रोजेक्टाइल पाथ में और ग्राउंड जो इंक्लाइन प्लेन को फिर से हिट करेगा, सो हमें रेंज बताना है अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। बाय द वे आप कोलिजन के बाद स्पीड बता सकते हो, कितनी स्पीड थी कोलिजन के बाद, ऑफ कोर्स मान लो वी स्पीड थी, सो वी के आपको कंपोनेंट पता है वी पी और वी ए, सो वी के अगर आपको कंपोनेंट पता है तो इजीली निकाल सकते हो ना, वी पी का स्क्वायर प्लस वी ए का स्क्वायर का रूट। अगर कोई कहता है थीटा बताओ कितने एंगल पे मूव कर रहा था आफ्टर कोलिजन, सो वो भी बता सकते हो, लेट्स से इंक्लाइन के साथ अल्फा एंगल पे मूव कर रहा था तो टेन अल्फा आप निकाल सकते हो, दैट विल बी नथिंग बट वी पी अपॉन वी ए। वैल्यूज हमें पता है, राइट, वैल्यूज पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, फाइन, बट अभी हमें ये सब चीज़ें नहीं निकालनी है, हमें क्या निकालना है रेंज, और रेंज के लिए हमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करना पड़ेगा ऑन अ इंक्लाइन प्लेन, प्लेन पे हमें प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है। सो आप देखो यहाँ पे हम किस तरह से स्टडी करते हैं, हमें जी के भी कंपोनेंट लेने होंगे, जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है बट उसका एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन और एक कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। सो अगर ये एंगल थीटा है सो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया, सो इस डायरेक्शन में आपके पास आ गया जी का कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में आ गया जी का साइन थीटा। सो यू कैन से जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ रहा है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है दैट इज जी का कॉस थीटा, और प्लेन के अलोंग जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है दैट इज जी का साइन थीटा, राइट। सो अब देखो किस तरह से हम स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की किसी प्लेन में, इस तरह से मैं प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ इस प्लेन में मुझे क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी मींस जो अलोंग द प्लेन वाला वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी ए और वी पी,
राइट, और इस तरह से आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। और यहाँ पे जी का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है दैट इज़ नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड। हमारे पास दो एक्सेलरेशन है, एक पैरेलल टू द इंक्लाइन और यू कैन से अलोंग द इंक्लाइन, है ना, ए ए और ए पी। ए पी क्या है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। फाइन, सो देखो किस तरह से हम रेंज निकालेंगे इस प्रोजेक्टाइल मोशन की। रेंज के लिए आपको पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ेगा, और टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से आता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। बिकॉज जब भी आपका ये जो पार्टिकल है या फिर बॉल है ये आपके प्लेन के ऊपर होगा ना, देन उस केस में एस पी जीरो होगा। नाउ एस पी क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अगर जो बॉल है वो प्लेन पे ही वापस आ जाता है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल? बॉल का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो जीरो हो गया ना, क्योंकि बॉल वापस उसी प्लेन पे आ गई। सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बॉल का, सो एस पी इज इक्वल टू जीरो। नाउ आप एस पी को क्या लिखोगे? यू पी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए पी इंटू टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मैंने डिफाइन किया, दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से चेक करो, टी के दो रूट्स आएंगे, एक तो टी कॉमन निकाल लो, यू पी प्लस हाफ ऑफ ए पी इंटू टी दैट इज इक्वल टू जीरो। सो एक रूट तो टी इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, जो कि इनिशियल रूट है, मीन्स इनिशियली जब आपने प्रोजेक्ट किया था तब बॉल प्लेन पे ही थी। एक और टाइम जो आपका बॉल है वो प्लेन पे आएगा, और वो टाइम क्या होगा? माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ यू पी अपॉन ए पी, और यही आपका क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। सो पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकल के आ रहा है? माइनस ऑफ टू इंटू यू पी। यू पी का वैल्यू देख लो, यू पी का वैल्यू कितना है? ई अंडर रूट टू जी एच का कॉस थीटा, ई अंडर रूट टू जी एच का कॉस थीटा। सिमिलरली ए पी कितना है? ए पी देखो शायद जी कॉस थीटा है, हाँ जी कॉस थीटा, राइट। सो जी कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया, बाय द वे जी कॉस थीटा नहीं, माइनस जी कॉस थीटा होगा। माइनस जी कॉस थीटा क्यों होगा? आप देखो जो जी कॉस थीटा ना ए पी, वो नीचे की तरफ है, राइट, नीचे की तरफ है। लाइक हमने जो यू पी है उसे पॉजिटिव लिया है, सो ए पी अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मीन्स अगर आप ए पी को पॉजिटिव लेते हो देन आपका यू पी नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ए पी और यू पी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, सो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव, है ना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने ए पी को नेगेटिव ले लिया। सो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, टू ई अंडर रूट टू एच अपॉन अंडर रूट जी, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ रेंज किस तरह से निकालोगे? दैट इज नथिंग बट एस ए। अलॉन्ग द प्लेन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट में? टाइम ऑफ फ्लाइट में अलॉन्ग द प्लेन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? दैट इज यूर रेंज, राइट। फाइन, सो एस ए को क्या लिखोगे? यू ए टी टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर, राइट। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, अलॉन्ग द प्लेन मैंने लिखा है। सो चेक करो यू ए, यू ए का वैल्यू आप देखो कितना है? यू ए का वैल्यू है अंडर रूट टू जी एच का साइन थीटा। सो अंडर रूट टू जी एच का साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज नथिंग बट टू ई अंडर रूट टू एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट जी प्लस हाफ ऑफ ए ए। ए ए कितना था? ए का साइन थीटा था, ए का साइन थीटा, राइट। चेक करो ए का साइन थीटा, सो ए साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। सो टी का स्क्वायर चेक करो कितना आएगा? फोर ई स्क्वायर इंटू टू एच डिवाइडेड बाई जी। सो इसे चेक करो, जी से जी कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ से टू एच हो गया, और ये फोर एच ई इंटू साइन थीटा हो गया, प्लस ये कितना है? ये जी साइन थीटा होगा ना। ए ए का वैल्यू कितना है? जी साइन थीटा है, राइट। मैंने ए साइन थीटा पुट कर दिया, जी साइन थीटा ये मीन्स ए ए का वैल्यू आप चेक करो, ए ए का वैल्यू जी साइन थीटा है, मैंने गलती से ए साइन थीटा पुट कर दिया था। सो ये जी जी कैंसिल हो रहा है, और ये टू कैंसिल हो रहा है, सो यहाँ से आ रहा है कितना? फोर टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू एच। सो कुछ कॉमन आ रहा है, राइट, फोर एच साइन थीटा इंटू ई, ये तो कॉमन आ गया, वन प्लस ई बचा अंदर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेंज। अगर आपको ई इज इक्वल टू वन पुट करना है देन यू कैन पुट इट, राइट, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो उस केस में आपका जो आंसर आएगा दैट इज एट एच साइन थीटा। सो जनरलाइज्ड वे में किसी भी कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी फोर एच साइन थीटा ई वन प्लस ई, राइट। सो आई थिंक इट्स क्लियर, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके गाइस, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।